हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी फेसबुक आईडी को सिक्योर कर सकते हैं जिससे आपका कोई आपका अकाउंट हैक ना कर ले। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम कैसे इसको सिक्योर करेंगे। देखिए, मैं पहले फेसबुक खोलता हूं और इसमें राइट हैंड साइड पे तीन जो लाइन्स है इसमें ओपन करके अब नीचे आता हूँ। तो देखिए, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी मैंने ओपन की है। इसमें सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो ये देखिए सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। और इसमें आप देखिए, एक तो मेरा फ़ोन दिखा रहा है, देखिए इसमें आप जो जो आपकी फ़ोन आपकी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर रहा है यहाँ पर आपको शो करने लग जाएगा। जैसे कोई आपको कोई और लोकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पर लॉगिन है तो वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो नीचे देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्लिक किया और यहाँ पर देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है। तो मेरे में ये फीचर में डाल रखा है कि अगर कोई मेरा लॉगिन करे तो वो पासवर्ड मांगे, टर्न ऑफ कर दिया है। अब देखिए दोबारा हटाने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है, पहले फेसबुक का पासवर्ड डाल के मुझे इसको हटाना है तो मैं फेसबुक का पासवर्ड डालता हूँ उसमें और ये मैंने इसको हटा दिया। देखिए ये ऑथेंटिकेशन ऑफ हो गया है। अब मैं दोबारा आपके सामने करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने ऑन किया, क्लिक किया। अब ये देखिए इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा है, ऑथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेज। तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए क्योंकि फर्स्ट वाले में आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मैं कंटिन्यू करता हूँ टेक्स्ट मैसेज में जाके। अभी देखिए अब यहाँ पर भी फोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, अब मैं इसमें अपना फोन नंबर डालता हूँ। मैंने फोन नंबर डाला था इसमें, कंफर्म किया है। अभी देखिए ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, कोड मांग रहा है। तो ये भी देखिए मेरे पास कोड आएगा तो मैं डालूंगा इसमें। उसके बाद ये खुला है तो मैं इसमें मेरा अपना कोड डाल रहा हूं। यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया तो ये देखिए अब ये मेरा इसमें कॉन्फिगर हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे डन कर दीजिए और डन करने के बाद अभी देखिए अब ये कॉन्फिगर हो गया है। अब इसमें ऐसा है कि आप जब कोई हैक करके आपका पासवर्ड डालेगा तो आपके पास कोड आ जाएगा कि ये आपको लॉगिन करना चाह रहा है। अगर आप ही हैं, अगर आप दूसरे पीसी से कर रहे हैं अगर आप, तो आप कोड डाल के चला देंगे, नहीं तो आप वो बंद हो जाएगा, कोई वो लॉगिन नहीं कर पाएगा बिना आपके कोड के। चलिए अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, एक चीज़ और करनी होगी आपको अपने सेटिंग्स में। चलिए बैक चलते हैं। तो देखिए मैं अपने मोबाइल पर हूँ और ये मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया है और इसमें देखिए जो थ्री लाइंस राइट हैंड साइड पे है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे आप देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी मैंने ओपन की है, इसमें प्राइवेसी शॉर्टकट ये मैं क्लिक करता हूँ। और इसमें आप देखिए रिव्यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग्स, तो देखिए ये आपके सामने खुल गया है। अब इसमें देखिए हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इस सेकेंड वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया, इसमें आप देखिए हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, इसमें मैं रिव्यू में जाता हूँ। रिव्यू में गया, इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिखा रहा है इज योर पासवर्ड प्राइवेट, इसमें आप एक स्ट्रांग पासवर्ड बना के चेंज पासवर्ड में करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो स्ट्रांग पासवर्ड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट किया और ये देखिए कंट्रोल योर अलर्ट्स, इसमें आपको फेसबुक दिखा रहा है वी विल सेंड योर फेसबुक नोटिफिकेशन, अगर आपकी आईडी को कोई बाहर से लॉगिन करेगा तो आपका इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसे आप ऑन कर दीजिए। मैसेंजर वी विल सेंड योर मैसेंजर नोटिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, इसमें भी आपको आपकी ईमेल आईडी में
नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप कोई इसमें लॉग इन करता है आपकी आईडी। तो मैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखिए अब मैं ये पूरा हो गया। अब मैं सेकंड में देखिए हु कैन सी व्हाट यू शेयर, ये मैंने क्लिक किया। इसमें देखिए आपको कौन कौन देख सकता है, आपकी प्रोफाइल को कौन कौन देख सकता है, ये सब इसमें चलेगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखिए ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको कौन दे सकता है। इसमें मैंने ओनली मी कर दिया क्योंकि मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे ही हाइड कर सकते हैं, ओनली मी या फिर फ्रेंड्स को ना ज़्यादा फ्रेंड्स को आप कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ये कर सकते हैं। और नीचे देखिए फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल, कौन आपकी प्रोफाइल देख पाएगा। इसमें भी आप देख लीजिए आपको फ्रेंड्स चाहिए तो खाली फ्रेंड्स में कर दीजिए, या आप सबको दिखाना चाहते हैं तो आप पब्लिक कर दीजिए, पर आप इसमें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड रखिए तो आपका अकाउंट ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो आप ऐसे ही हु कैन सी योर पीपल ये सब आप कर दीजिए। इसमें भी आप देखिए तो ये आपको कोई नहीं देख पाएगा। इसमें देखिए हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, आगे आप जो आप पोस्ट करेंगे कौन देखेगा। इसमें भी आप फ्रेंड्स कर दीजिए, पब्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कोई भी देख सकता है। अभी देखिए ब्लॉकिंग, ऐड ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट में आप देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसमें आप उस आईडी का नाम डाल दीजिए जो आपको ब्लॉक करना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली आईडी खोली है, इसमें मैं फर्स्ट जो ऑप्शन देखिए सामने इसके यूजर के आगे ब्लॉक लिखा हुआ है, तो मैं उसमें क्लिक करूँगा तो ये आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी और ये आपका अकाउंट नहीं देख पाएगा। तो ऐसे देखिए ये खत्म हो गया, ये मैंने पूरा कर दिया नेक्स्ट करके। अब आप देखिए मैं दोबारा बैक जाता हूँ और बैक में देखिए अब इसमें जो ऑप्शन है नीचे हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, ये मैं ओपन करता हूँ। इसमें ये खुला है, अब देखिए कंटिन्यू। इसमें आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट और फोन नंबर एंड ईमेल आईडी आपका पूछेगा कि आप कैसे और किस किस को आपको ये दिखाना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको कौन आपको भेज पाए और किसको आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी दिखे। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन खुला है आपके सामने, इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको कौन भेज पाएगा ये आपको लिखना है। इसमें जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है एवरीवन सब भेज पाए या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड भेज पाए, तो जिसे आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे वही आपको फ्रेंड भेज पाएगा। देखिए नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आया है जिसमें आप देखिए फोन नंबर आप डाल इसमें दे रखा है जो चूज हु कैन लुक योर यू अप बाय फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो इसमें देखिए फोन नंबर में भी ऐसी है, आप ब्लॉक करेंगे जो देखना चाहे वही देख पाएगा, फ्रेंड्स करती हूँ खाली फ्रेंड्स देख पाएंगे, और ईमेल आईडी भी कौन देखना चाहेगा वही आपसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या किसी को नहीं दिखाना चाहते ओनली में आप कर दीजिए। ये जो ऑप्शन है इनमें से ही आपको एक डालना पड़ेगा, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ओनली मी और एवरीवन। तो इसमें आप फ्रेंड्स करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट। ये भी आपका रिसेटिंग पूरी हो गई है जिससे आपका फेसबुक बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप सेटिंग करना ना भूलें और अपने फेसबुक को सिक्योर रखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।